राइट डाउन हेडिंग लिखो रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, और इसमें लिखो ऑर्डर्ड पेयर, है ना। ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है, जब भी हम इस तरह से लिखते हैं a कॉमा बी इज इक्वल टू 2, 3, a कॉमा बी इज इक्वल टू 2, 3, और यदि ऑर्डर्ड पेयर है ये, तो इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3, ये ऑर्डर्ड पेयर है ना। ऐसे ही ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की बात करें, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कितना हो जाएगा, जैसे a b c इज इक्वल टू 1, 5, -7, लाइक ऐसी सिचुएशन है। तो इसका मतलब है कि a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 5 और c इक्वल टू -7, इस तरह से बात समझ आई। एक क्वेश्चन लिखो, राइट ना, हाँ क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ ऑर्डर्ड पेयर, इफ ऑर्डर्ड पेयर साइन x कॉमा रूट टू इज इक्वल टू 1, cosec y। सॉल्व करो इसको जल्दी से फटाफट। सॉल्व इट, क्या बोला जा रहा है, x और y निकालो यदि ऑर्डर्ड पेयर ये है। एग्जैक्टली साइन x इक्वल टू 1 होगा और cosec y का वैल्यू रूट 2 हो जाएगा। अनऑर्डर्ड पेयर में पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, जैसे अनऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं, अनऑर्डर्ड पेयर जैसे a कॉमा b यदि नहीं दिया है 2,